हमारे बीच में आ चुके हैं। बेहद खुशी का मौका है कि आज श्योपुर जिले से जो मेहमान हमारे बीच में है, भारतीय जनता पार्टी जिला श्योपुर श्री दुर्गालाल जी विजयवर्गी, पूर्व विधायक श्योपुर, श्रीमती कविता मीणा पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियां खुशियां आई। अब हम अपने प्राचार्य जी से हमारे मेहमान खुसूसी का हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा स्वागत किया। सौ चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना होगी। हमारे सभी मेहमानों का हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा स्वागत किया गया। विद्यालय में एक साथ इतने अतिथियों का आगमन हुआ है तो हमारे विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे बच्चे और हमारे सभी साथी आप सबको अपने बीच पाकर बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही आनंदित हैं और विद्यालय परिवार की ओर से मैं एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेते हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चों ने युवा संसद का जो मंचन किया है, मैं अपने अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि उनके इस मंचन का मूल्यांकन करें, उनको इस कर्तव्य का भी निर्वहन कर सकें और इस विपुल जिले का नाम, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। संगीत शिक्षक श्री धनराज मीणा से निवेदन करेंगे कि वे हमारे अतिथियों के लिए स्वागत गीत शुरू करेंगे। मन की वीणा से गूंजे भली मंगलम, मन की वीणा से गूंजे भली मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे अतिथि महोदयों द्वारा युवा संसद कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी गई है तो बच्चे माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सांसदों,
युवा संसद के शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय सुश्री मनीषा, जो कि मध्य प्रदेश में मुरैना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? हिंदी में श्रीमान। मैं सुश्री मनीषा, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। साक्षी, जो असम में जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगी? शपथ सर। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? इन इंग्लिश सर। आई साक्षी हैविंग बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द यूथ पार्लियामेंट डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर द ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम 4 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे जाने माने गांधीवादी, समाजवादी एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन की सूचना दूं। वह देश में शांति की स्थापना एवं सांप्रदायिक सद्भावना में महत्वपूर्ण कदम निभाया एवं उन्होंने किसानों के उत्थान एवं पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्ग के उत्थान के लिए अपना समय और शक्ति लगाई। वे प्रभावी वक्ता एवं सक्रिय सांसद थे। उनके निधन से हमारे देश को अपूर्ण क्षति हुई है। उनका निधन 82 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को हुआ।
अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु पर भारी शोक व्यक्त करता हूं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवक के रूप में समर्पित कर दिया। उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। वे एक अद्भुत नेता के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष नेता भी थे। उनकी मृत्यु से देश को एक भारी धक्का लगा है। मैं उनके परिजनों के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मैं आपके तथा सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करता हूं। देश के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का योगदान अतुलनीय है। वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। ऐसे में उनके निधन से हमारे देश ने एक महान राजनीतिज्ञ, समाज सेवक एवं महानायक को खोया है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। करिश्मा जाट, खेल एवं युवा मंत्री। निहाशा कर्ण, खाद्य एवं कृषि मंत्री। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 101, श्री मुकुट। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवजन नीति यानी माइग्रेशन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? क्या नीति अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है? यदि नहीं तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है? मानव संसाधन विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवजन नीति यानी माइग्रेशन पॉलिसी का उद्देश्य देश की एकता को बढ़ाना तथा संस्कृति का पारस्परिक आदान प्रदान है। यह नीति अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल रही है, लेकिन जब भी इस नीति के अंतर्गत कोई भी स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय कारणों को जानकर उसका समाधान कर दिया जाता है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्यांकन लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 80 रुपए के ऊपर पहुँच गया है। इस अवमूल्यन का क्या कारण है और रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? धन्यवाद। वित्त मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि सरकार को यह जानकारी है कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। महोदया, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने की आयात में तीव्र वृद्धि है, जिसके कारण चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया है। महोदया, मैं सूचित करना चाहूंगी कि भले ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 80 से अधिक पहुंच चुका है, किंतु सरकार एवं आरबीआई द्वारा इस अवमूल्यन को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आरबीआई ने 12,000 करोड़, मैं दोहराना चाहूंगी, 12,000 करोड़ के बॉन्ड बेचने का निर्णय किया है, जिससे बाजार की तरलता को सोखा जा सकेगा। आरबीआई ने यह भी निर्णय किया है कि ONGC तथा IOC इत्यादि कुछ कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां विदेशी परिसंपत्ति को नहीं खरीद सकेंगी। महोदया, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी भारतीय अब 2,00,000 रुपए की बजाय सिर्फ 75,000 रुपए ही विदेश भेज सकेगा। महोदया, मैं सूचित करना चाहूंगी कि सरकार NRI बॉन्ड लाने पर विचार कर रही है, जिससे
आशा है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में रुपए के इस अवमूल्यन पर काबू पा लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 103 सुश्री नेहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज का मूल्य 40 से 50 रुपए प्रति किलो हो गया है। यदि हाँ तो सरकार प्याज के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या कर रही है? क्या सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है? पहले तो पैसे लेकर जाते थे और थैले में शक्कर लाते थे। पहले तो मुट्ठी में पैसे लेके जाते थे और थैले में शक्कर लाते थे। अब थैले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई, हाय महंगाई, महंगाई है महंगाई, दुहाई है दुहाई, तू कहां से आई, तुझे मौत क्यों नहीं आई? हाय महंगाई, गरीब को तो बच्चों की पढ़ाई मार गई, बेटी की शादी और सगाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, किसी को कपड़े की सिलाई मार गई। जीवन के बस 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। खाद्य एवं कृषि मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि प्याज के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है। राज्य सरकार के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापे की कार्रवाई जारी है जिससे कि प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर सरकारी स्टोर पर प्याज बेचने का निर्णय लिया है। भारत पाकिस्तान और चीन से प्याज के आयात पर भी विचार कर रहा है जिससे देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमतों में कमी आएगी। महोदया, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र व देश के अन्य भागों में इस वर्ष प्याज की बंपर पैदावार होने की संभावना है जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 3-4 महीनों में प्याज की कीमतों में तेजी से कमी आएगी। महोदया, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्याज के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। प्रश्न संख्या 104 कोयला मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके किस नीति के तहत किया गया है? क्या देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक कोयला घोटाले की फाइलें मंत्रालय से गायब है? क्या सरकार अपने खास लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और इस संबंध में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को सूचित करना चाहती हूँ कि देश में सस्ती बिजली के उत्पादन के लिए कोयल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा ना करके स्क्रूटनी द्वारा किया गया है। कोयला घोटाले की 150 फाइलें मंत्रालय से गायब है और सभी फाइलें सुरक्षित है। सरकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है और इस घटना में अपना कानून अपना काम करेगा। मंत्रालय से जो भी 150 फाइलें गायब हुई, सरकार इसकी जांच कर रही है। इस घटना में जो भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाएगी, इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोयला घोटाले का केस सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। अंततः हम सभी को न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि माननीय पेट्रोलियम मंत्री, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तु की कीमतों पर वृद्धि की है? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? पेट्रोलियम मंत्री जी कृपया। माननीय
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभासदों में बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों का घाटा भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण बाजार दर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को सरकार द्वारा रेगुलेट कर दिया गया है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि सरकार ने कीमतों में वृद्धि की है, किंतु यह वृद्धि विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थों में की गई है, अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कदापि नहीं की गई है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल एवं अन्य पदार्थों के दामों में आई भारी वृद्धि है। मेरे विचार से यह सरकार द्वारा ग्राहकों को समय पर दी जा रही छूट का नतीजा है। पेट्रोल पूल के घाटे को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने मूल्य वृद्धि की है। कोई पूरा प्रश्न? सुश्री अल्वेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है अथवा नहीं, और क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार किया था? क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया था कि देश में पड़ रहे भयंकर सूखे की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि का समाज के मध्य तथा निम्न वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्य पेट्रोलियम मंत्री जी, कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि श्री अल्वेश के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार अवश्य ही सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रही है तथा यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार मध्य तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं के पहलुओं पर पूरा पूरा ध्यान दे रही है तथा उनकी आवश्यकताओं के सभी निर्णय ले रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने पेट्रोल पदार्थ में हुई मूल्य वृद्धि के बावजूद भी जल परिवहन निगम ने किसी भी प्रकार की किराए में वृद्धि नहीं की है। एलपीजी पर आज भी 70% की सब्सिडी दी जा रही है। आयकर दाताओं के अतिरिक्त जन सामान्य को पुरानी दर पर ही राशन वितरित किया जा रहा है। सरकार ने डीजल के डबल प्राइसिंग पर भी विचार कर रही है। महोदय, प्रश्न संख्या 106, सुश्री नंदिनी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं 2011 में हुई जनगणना से पता चलता है कि 74 लाख लोगों की शादी 18 वर्ष से कम आयु में की गई है, जिनमें से 88% महोदया 88% लड़कियां हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से आप जानना चाहूंगी कि उन्होंने बाल विवाह की दर को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री जी, कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, बाल विवाह के दर को कम करने के लिए हमारी सरकार ने साल 2021 में लड़कियों के विवाह के न्यूनतम कानूनी आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से इसका अर्थ यह है कि राज्यों को पूरी आजादी और समय दिया जाए जिससे वे जमीनी तौर पर काम कर सके, क्योंकि यह कानून एक दिन में पारित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 107, सुश्री पूजा। महोदया, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पूर्व हुई थी को ओ फैमिली पेंशन यानी के जीओआई पेंशन मिलती है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अपनी माओ के समर्थन में फरवरी 2022 के नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों ने जो मांगे की थी, क्या सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है? मानव संसाधन विकास मंत्री जी, कृपया। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी कि जीओआई पेंशन नहीं मिलती। 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को सीपीएफ तथा 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को
नई पेंशन स्कीम के तहत सुविधा प्रदान की जाती है। महोदया, नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना एक सोसाइटी के रूप में वर्ष 1986 में हुई थी, तब समिति ने CPF को चुना। महोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी 6 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक अपनी 23 मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहे। इसकी प्रमुख मांग थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को फैमिली पेंशन दी जाए। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उनकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा विचार विमर्श अपनी एडवांस स्टेज पर है। जल्दी ही कैबिनेट नोट तैयार कर कैबिनेट भेजा जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 108, सुश्री ऋतु। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से महिला सशक्तिकरण मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में लगातार गैर संविधानिक ग्राम पंचायतों का कुछ राज्य में संचय बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण समाज में ओनर किलिंग जैसी कई समस्याएं उठ खड़ी हुई है। महोदया, मैं जानना चाहती हूँ कि मंत्री जी एवं उनकी सरकार ऐसी पंचायतों के ऊपर कौन से ठोस कदम उठा रही है। महोदया, कहने के लिए तो समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त है, परंतु यह सिर्फ कहने भर के लिए है। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आज भी स्त्रियां स्वेच्छा से चलने फिरने एवं स्वेच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनने तक के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि मंत्री जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि क्योंकि खाप पंचायत संवैधानिक नहीं है एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णय मानवाधिकार और महिला अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अतः केंद्र सरकार ने इस प्रकार की असंवैधानिक प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों की बैठक जुटाई है। बैठक के पश्चात राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके इस प्रकार की संवैधानिक उल्लंघन की प्रक्रियाओं पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महोदया, सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में खाप पंचायतों द्वारा अपने और अपने परिवार के झूठे सम्मान के नाम पर अपने ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है और अपने समाज की महिलाओं के लिए कुछ असंवैधानिक निर्णय भी लिए हैं, जैसे कि महिलाएं व लड़कियां अकेले बाहर घूम फिर नहीं सकती, वे अपना जीवन साथी स्वयं नहीं चुन सकती। इस स्थिति को देखकर मैं एक स्त्री होने के नाते अपनी उद्गार नहीं रोक पा रही हूँ। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए नर और नारी, पुरुष प्रधान समाज में नारी बिनु अधिकार, सृष्टि की रचना करे पाले घर संसार। आजीवन संसार में सहती दुख अपार, स्वतंत्रता है जीव का पहला है अधिकार। नारी बस दासी रही और रही लाचार, जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव, ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संहार, ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संहार। नाउ क्वेश्चन आर एंड्स एंड पेपर विल बी लेट डाउन। मुझे संदेशों की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक 2022 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर फैसिलिटीज 2022 की हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभापट पर रखेंगे। मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक 2022 की पटल की प्रति सभापट मीट हिज काउंटर पार्टी पाकिस्तान टू टॉक अबाउट द पीस During the UNO summit in New York, our Prime Minister met to him. At the same time, our army troops were engaged in combat, murderous fight with Pakistani terrorists in Keran sector of Jammu and Kashmir, Kupwara district. After 15 days long operation, that area was cleared and terrorists were pushed back. Moreover, Army Chief made it clear that Pakistani army provided cover fire to terrorists to infiltrate into Keran sector. The whole episode of Keran sector is a matter of serious concern because it reminded us Kargil interruption of 1999.
Speaker sir, I want to know from government, is it not shameful to nation that our Prime Minister talked about peace where Pakistan grabbed our village? Why is government keeping eyes closed on the issue of national security? I hope government will take stern action against Pakistan. Otherwise, it will make the image of our country as a weak country. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सभा में यह बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में सीबीआई की निष्पक्षता व स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह है। सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी है। एक सप्ताह पहले ही सीबीआई ने कुछ राजनेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे एक बार फिर सीबीआई की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि यह निर्णय राजनीति से प्रभावित लगता है, जो कि एक गंभीर विषय है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तत्काल जांच करवाई जाए व राजनेताओं के खिलाफ वर्तमान में चल रही जांच को बंद करने की बजाय तुरंत नए सिरे से करवाई जाए तथा स्वायत्तता के लिए सदन में यथाशीघ्र ही विधेयक लाया जाए। मिश्रवाणी फसलों ने वैराग ले लिया, जोगी हो गई धानी, राम जाने कब बरसेगा पानी, राम जाने कब बरसेगा पानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि कमजोर मानसून के कारण देश के अधिकांश भागों में अकाल की संभावना बनी हुई है। वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि सूखे की संभावना को गंभीरता से लेते हुए एक उचित कार्य योजना पहले से ही तैयार कर ली जाए, ताकि किसानों और जन सामान्य को राहत पहुंचाई जा सके। I will convey this matter to concerned minister. Member of the Parliament, I therefore request to allow me to raise a question on that matter now. Miss Radhika, have you given any notice of it earlier? You may give to you notice along with a copy of newspaper cutting and a statement made by the civil society member if recorded. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given notice. Miss Sivani, Member of Parliament. Member of Parliament. It is a very high power delegation who reached Delhi on Saturday, 20 December 2022. They are now seated in a special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feelings and very best wishes through them to their President, Prime Minister, Parliament, the government, and very friendly people of France. Calling attention motion. Now, let us speak up the calling attention. Ms. Sonam, Mr. Aryan will call the attention of Home Minister. Ms. Sonam? Unrest and violence erupted in several parts of Andhra Pradesh, Assam and West Bengal after the declaration of carving out a separate state Telangana from Andhra Pradesh and the action taken by government thereof. Home Minister, please.
माननीय अध्यक्ष महोदया, अलग तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हिंसात्मक प्रदर्शनों के दौरान हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, वहां पर अलग राज्य की घोषणा के बाद पृथक तेलंगाना समर्थकों ने खुशियां मनाई, लेकिन दूसरी तरफ सीमांत्रा तथा रायलसीमा के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे वर्तमान के एकीकृत आंध्र प्रदेश के पक्षधर हैं। इसको लेकर वहां हिंसा हुई है तथा असम में भी अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को दोहराते हुए लोगों ने प्रदर्शन किए, जिसमें कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, जैसे कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है तथा मैं व्यक्तिगत रूप से भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में रहते हुए पूरे मामले को देख रहा हूं। वर्तमान में वहां स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा शांत है तथा पश्चिम बंगाल में भी कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। हमारी कोशिश सदैव देश में शांति बनाए रखने के लिए है तथा हमारी सरकार इसके लिए निरंतर कार्यरत है। For precaution and homework done by government before taking the decision of forming new state Telangana. There are reports in media and newspaper that government has failed to take precautionary measures and assess implication of forming the state Telangana. That is why a large number of people came on street in Simandhara and Rayalaseema area of Andhra Pradesh to protest against government's move. At some places, protested turns as around 108 number of buses and vehicles were set ablaze and many government offices and buildings were set fire and thrown the stones. All these reports compel me to believe that government has not taken this decision hurriedly but also without assessing situation at ground level and making proper arrangement. Ask the government to do all needful to ensure normalcy in affected areas and satisfy the people of both sides. Thank you. कोरोना के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों और आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे घोषणा के साथ ही तेलंगाना राज्य के समर्थकों में खुशियों की लहर फैल गई, क्योंकि इस दिन के लिए वह दशकों से संघर्षरत थे। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों सीमांध्र तथा रायल सीमा के लोगों के लिए यह निराशाजनक व दुखद है। फलस्वरूप उनका क्रोध व विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि वह मानते हैं कि यह देश का नहीं बल्कि एकीकृत आंध्र का निर्धनता तथा संपन्नता में विभाजन है। प्रस्तावित तेलंगाना प्रदेश के लोग हर तरह से संपन्न है तथा वह अपने बच्चों की उच्च शिक्षा व रोजगार हेतु उन्हें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भेजते हैं, जबकि सीमांध्र तथा रायल सीमा के लोग पूरी तरह से निर्धन हैं, जो अपने बच्चों की रोजगार व शिक्षा हेतु उन्हें हैदराबाद भेजते हैं, जो कि अब आसान नहीं होगा। माननीय सामाजिक न्याय मंत्री विधेयक का पुनः स्थापन करेंगे। सुश्री नेहा माहो, माननीय संविधान संशोधन विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न है, प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2005 में कृपया ना कहूँ? मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है और हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। Addition to the National Sports Development Bill 2022 that already has been introduced in last session. Sports Minister, please निकलो घटाओं में नहाकर देखो जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। Honorable Speaker Madam, I have great pleasure and privilege to take up consideration on National Development Sports Bill 2022. This will be my stone and a new chapter of history of sports and games. Very purpose of this bill is to provide for development of sports in India,
coordination of national teams for participation international events, fair and transparent functioning of autonomous sports bodies and welfare measures for sports person, promote ethical practices in sports including elimination of doping practices, fraud of age and sexual harassment of women in sports, to constitute and establish a sports dispute settlement and appellate tribunal to hear appeals and adjudicate disputes relating to sports and matters connected therewith. Salient features and provision of this bill are the central government may by rules provide for such measures as may be necessary for promotion and development of sports and welfare of sports persons including elimination of unethical practices in sports, holding preparatory coaching camps for the national teams for individual athletes including core probable approved by the central government, undertake measure to promote drug-free sports and fraud of age, sex, gender discrimination and sexual harassment of women in sports, and make recommendations to the central government in consultations with the national teams to promotion and development of sports event which contain measure taken for post-development, measure taken to promote indigenous sports, measure taken to create facilities of training of elite athletes. The central government shall by notification establish an appellate sports tribunal to be known as the sports dispute settlement and appellate to adjudicate any disputes among the office bearers or members in the National Olympic Committees, between National Olympic Committees and National Sports Federation. Mrs. Speaker, Madam, I am confident that all the honorable members of this House, irrespective of party affiliation, will welcome this bill wholeheartedly. And through it will put the forward sports by the eradicating the problems in sports, in area of sports. So I request it to you that the National Sports Development Bill 2022 is taken to be in consideration. इस बारे में इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है।
इस बिल में यह भी प्रावधान है कि कोई भी मंत्री खेल संघ का अध्यक्ष नहीं बनेगा, परंतु इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक खेल संघ का अध्यक्ष नहीं बनेगा, जिससे राजनीतिक प्रभाव खेल पर ना पड़े। हाल ही में हुए भारतीय प्रीमियर लीग में वित्तीय अनियमितताएं और धांधलियां सामने आई हैं। क्या यह बिल उन्हें रोक पाएगा? क्या यह बिल हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जितवाने की गारंटी देगा? यदि नहीं तो ऐसे बिल से क्या फायदा? क्या यह बिल विभिन्न खेल संघों को कानून सूचना के अधिकार 2005 के तहत लाएगा, जिससे उनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता निश्चित की जा सके? धन्यवाद। Bill to step the uplift the sports and gaming in our country. This bill has adequate provision to eliminate the unethical practices including doping, fraud of age and sexual harassment in our country. It emphasizes on providing international level coaching and other faculties to our national teams and individual athletes. With the drought of medals, Olympics and Asian Games and other Commonwealth Games with the international level. The most important part of this bill is having provision in order to curb the existing irregularities in annual financial statement of different sport bodies. The bill will bring all the sport and unethical federation, including BCCI, under the ambit of Right to Information Act 2005. This bill therefore will help to ensure transparency in the functioning of various sports federations. That is why I humbly request to all the member of house that they will support this bill and get it passed with remarkable majority. चौथा, खेल संघों के बजट व कार्यसूची में प्रायदस्ता लाने के लिए BCCI सहित सभी खेल संघों को सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत साथ लाने के प्रावधान इस बिल में है। पांचवा, IPL 15 के दौरान सामने आए मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी जैसी समस्याओं को इस बिल के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उक्त घटना में सम्मिलित व्यक्ति के लिए कठोर से कठोर दंड के प्रावधान इस बिल में है। अतः मेरा सभी सम्मान्य सदस्यों से निवेदन है कि वो इस बिल को प्रचंड बहुमत के साथ सदन में पारित कराएं। The question is that the bill to improve performance of our players and develop sports in our country at par with international standard be taken into consideration. Those who in favor will say yes. Yes. Those who are against it will say no. No. I think the yes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now, the question is that clause 2 by 7 stand part of the bill. Those who are in favor may say yes. Yes. Those against it will say no. No. I think the yes have it and the yes have it. The motion is adopted. Now the question is that clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will say yes. Yes. Those who are against it will say no. No. I think the yes have it and the yes have it. The motion is adopted. Minister for Sports and Youth Affairs, please. Madam, I move the bill be passed. Motion moved that the bill is passed. Those in favor may say yes. Yes. Those against it may say no. No. I think the yes have it and the yes have it.
The motion is adopted and bill is passed. Now, House is adjourned to meet again on 20 December 2022 at 11 a.m. National anthem position, national anthem start. Jani Gani Mane Adinayak Jayani Bharati Bhagya Vidhata Punjab se uthe Gujarat Maratha Dravidi uthi Kali Banga Bindari Himachal Yamuna Ganga Uchal Jal Ki Taranga Tab Shubh Naame Jaage Tab Shubh Aashish Maange Gaaye Tab Jay Gaata Jani Gani Mangal Gayak Jay Hai Bharat Bhagya Vidhata Jay Hai Jay Hai Jay Hai Jay 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 Hai भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय ये वीडियो क्यों मत भारत माता की जय भारत माता की जय आज जवाहर नवोदय विद्यालय में उपस्थित पूर्व विधायक प्रदेश कार्य समिति सदस्य दुर्गालाल विजय जी भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता मीणा जी महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज तोमर जी प्रिंसिपल सर वाइस प्रिंसिपल समस्त स्टाफ प्यारे बच्चों सर्वप्रथम आज यहाँ पर आपने आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद आगे भी बच्चों के लिए यही कामना करती हूँ जो भी इनमें से नेता बनना चाहे जितने भी बच्चे यहाँ संसद भवन में बैठे हैं इनमें से नेता कोई ना कोई अवश्य बन सकता है क्योंकि इतने प्यारा बोला इनने इतनी अच्छी तरह अपनी बात रखना नेताओं के सभी गुण हैं इन सभी बच्चों में सभी बच्चों से निवेदन है अच्छी तरह से पढ़ाई करें माँ बाप का नाम रोशन करें देश का नाम रोशन करें धन्यवाद श्री सुरेंद्र सिंह जी जाट इन शब्दों के साथ कि आप आए तो बहारों ने खुशियां लुटाई आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू कांटों से जवाहर नवोदय विद्यालय में इस युवा छात्र संसद
इस छात्र संसद में माननीय दोनों नेताओं कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्माननीय पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय जी, नगर पालिका श्योपुर की अध्यक्ष, आज एक नया अनुभव देखने को मिला है। राजनीतिक क्षेत्र में हम सब काम करते हैं और जो राजनीति में काम करता है, जनता जिसे अपना मत देती है, ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता भगवान है। एक जमाना हुआ करता था और जो व्यक्ति जीतकर संसद में जाता है, सांसद बनता है, वह जनता का वकील होता है, वह जनता की बात को ताकत से किस प्रकार रख सके, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर किस प्रकार प्रभावी ढंग से हम हमारी बात को रखें, मान्य सदन का ध्यान जिससे उस क्षेत्र की ओर जाए, इस दिशा में निश्चित ही विपक्ष के लोगों ने अपनी भूमिका को बहुत ठीक प्रकार से निभाया है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर आप विपक्ष का उत्साह कामों को करती है तो कोई उसमें कमियां रहे तो उस कमियों को बताना, उन कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पक्ष के लोगों को कि उन्होंने विपक्ष की बात को बहुत गंभीरता से सुना, बहुत ध्यान से सुना और माननीय स्पीकर महोदय ने जिस संबंधित विभाग के लिए जवाब देने के लिए माननीय मंत्री को जवाब कहा तो संबंधित सभी सम्माननीय मंत्रियों ने तर्क के साथ अपनी तर्क क्षमता का उपयोग करते हुए उस बात को, विपक्ष की बात को ताकत से यह प्रदर्शित किया कि सरकार जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है, जनता हमारे कामों का आकलन मूल्यांकन कर रही है, चाहे पेट्रोलियम मंत्री जी की बात हो, उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी सरकार लगातार ये प्रयत्न कर रही है कि महंगाई कम हो, अन्य देशों जैसी स्थिति हमारे देश की नहीं है, ऐसा विषय माननीय मंत्री जी ने रखा है। हम सबको यह संसद हमारा मंदिर है। प्यारे बच्चों, आज लोकतंत्र के माध्यम से एक छोटी सी सुई, एक छोटी सी सुई से लेकर और हवाई जहाज, उसकी अगर कीमत का भी निर्धारण करना है, उसके लिए व्यवस्था उपलब्ध कराना है, तो वह हमारा संसद, हमारा जो प्रदेश सरकार या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसलिए हमको राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। जब हमारे भविष्य का निर्धारण ये राजनीति करती है, लोकतंत्र करता है, जनता के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, तो जनता को भी अच्छे व्यक्तियों का चयन करके और संसद में या निर्वाचित व्यक्ति बनाना चाहिए, और जो व्यक्ति जीत कर जाए उसे पूर्ण रूप से जनता के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, और जो व्यक्ति जनता के प्रति ईमानदार रहता है, जनता के कामों को ठीक प्रकार से, उनके सुख दुख को अपना दुख समझता है, तो फिर जनता उसके कामों पर मोहर लगाते हुए उसको आगे का रास्ता भी बताती है, और जो व्यक्ति जीतने के बाद जनता की ध्यान नहीं रखता तो फिर वह वहीं रुक जाता है। इसलिए एक बार मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारे देश की संसद है, पक्ष का काम और विपक्ष का काम,
देश को आगे ले जाने का है। सरकार जब कोई काम करती है तो जिस प्रकार सरकार किसी बात को, किसी काम को अपनी मोहर लगाती है और विपक्ष उस पर अपने सवाल खड़ा करता है, लेकिन हम हमारी संसद में तो इन सब बातों को करें, लेकिन जब विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आ जाए या विषय देश से बाहर का आ जाए तो फिर सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को राष्ट्रीय हित देखना चाहिए, राष्ट्र की बात करना चाहिए। मुझे ध्यान आ रहा है एक बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको सरकार ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे हमारे देश का प्रतिनिधित्व उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ताकत के साथ भारत की बात को रखा, मेरा भारत कैसा महान, मेरे यहां सब धर्मों का हम आदर करने वाले। इसलिए बंधुओं, प्यारे छोटे छोटे बच्चों, जीवन में आपको भी आगे बढ़ना है, जरूरी नहीं हम राजनीतिक क्षेत्र में जाएं। छोटी हुई है या कहीं छोटी मोटी कमी रह गई है तो निश्चित रूप से आगे हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मैं और मेरे विद्यार्थी आपको पुनः सुनना चाहते हैं, कृपया कोई मौका जरूर निकालिए हमारे बीच में पुनः होने का। पुनः धन्यवाद। ¿Cuál es la?